और पवन भैया का तो वर्ल्ड फैन है, तो हम तमाम कलाकार खास करके वो पवन भैया के गानों को रियाज करके गाना सीखते हैं तो, और लॉलीपॉप एक ऐसा वर्ल्ड वाइड हिट है कि भोजपुरी को अगर कोई जानता है, भोजपुरी को अगर कोई रिस्पेक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ पवन भैया के वजह से। और थोड़ी चटना तो बोलना ही मैंने बहुत बुरा लगता है बोलने में। देखिए वैसे ही लोग अश्लील गाते हैं जिनका परवरिश ही अश्लीलता में हुआ, उनको पता ही नहीं है कि माँ बहन का इज्जत क्या होता है। देखिए वैसे सिंगरों को तो पहले बायकॉट तो करना ही चाहिए और ऐसे सिंगरों को सुसाइड करना पड़ता है। जो मीडिया वालों को गलत ठहराते हैं वो खुद ही गलत है, क्योंकि उनको पता है कि हम अश्लील नहीं गाएंगे तो हिट ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बेसुरा हैं उनको। हाय दोस्तों, मैं हूं गुडुरा तिपल सिवन और आप देख रहे हैं भोजपुरी फैंस क्लब और बीएफसी न्यूज़। दोस्तों अमित सिंह अम्मी जी हमारे साथ हैं। भैया सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? बीएफसी न्यूज़ देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं, अच्छे दर्शक हैं ईश्वर रूपी, उनको तो मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ इस चैनल पर, और अच्छे चीज़ों को प्रमोट करती है बीएफसी न्यूज़, तो दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हो। भैया अभी जो आपके चैनल पे जो देवी गीत आया है बहुत अच्छा है, एकदम हिंदी टच दे दिए हैं आपने। जी बिल्कुल, मैं कोशिश ही करता हूँ कि कव्वाली टाइप गाऊँ, और हमारे बिहार में एक प्रचलन चलाने की कोशिश कर रहा हूँ कव्वाली सूफियाना अंदाज एक, क्योंकि हम बिहारी किसी से कम नहीं हैं, बस ज़रूरत है लोगों को नॉक करने की। जैसे हनुमान जी को बस याद दिलाना था कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप समुद्र पार कर सकते हैं, तो वही चीज़ है। हमारे बिहार में बहुत अच्छे अच्छे गायक हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, गुरुजन हैं, तो कोशिश है हमारी कि इस प्रचलन को बढ़ाएं और टफ से टफ कॉम्पोजिशन को हम लोग गाएं, ताकि लोग अगर बाहर के इंटरटेनमेंट फील्ड में कहते हैं कि हम ये नहीं गा सकते, हम वो नहीं गा सकते हैं। हमारा आज जो भोजपुरी है बहुत अच्छा अच्छा भी गाना बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं पहचान अश्लीलता की तरफ हो गई है, लेकिन हमारा भोजपुरी अश्लील था ही नहीं, अश्लील है ही नहीं। लेकिन भैया हमारे भोजपुरी का जिस हिसाब से आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कही है आपने, लेकिन जो नए सिंगर है शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो ऐसे ऐसे गाने गा देते हैं जिससे हमारा भोजपुरी का बहुत सारे अदर जगह पे बहुत सारे लोग इसके बुराई करते हैं कि यार इसके इनके भोजपुरी में ऐसा गाना आता है वैसा गाना। देखिए वैसे सिंगरों को तो पहले बायकॉट तो करना ही चाहिए और ऐसे सिंगरों को सुसाइड करना पड़ता है, आप तो जानते ही हर चीज़ आपसे क्या वो है। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे भी गायक हैं यहाँ पे हमारे इंडस्ट्री में, और मैं तमाम मीडिया कर्मियों से, देखिए आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म हैं, हमारे चीज़ों को रखते हैं, तो मैं आप तमाम मीडिया कर्मियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अच्छा गा रहे हैं उनको प्लीज़ प्रमोट करिए। अश्लील गा रहा, अश्लील लिख रहा है, अश्लील म्यूज़िक बना रहा है, उसको सरकारी स्तर से बायकॉट किया जाए, ताकि उनके डर से जब शराबबंदी हो सकता है तो ये किस खेत की मूली है। बिल्कुल हो सकता है, और जैसे बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि भोजपुरी से अश्लीलता कब खत्म होगी, भोजपुरी से अश्लीलता कब खत्म होगी, जब जो नए नए सिंगर है जो ऐसे उठपटंग गा देते हैं वो जब ये सोच लेना कि इस गाने को हमारे माता पिता भी सुनेंगे, उसी दिन हमारा भोजपुरी से अश्लीलता खत्म हो जाएगा जो भी है। देखिए वैसे ही लोग अश्लील गाते हैं जिनका परवरिश ही अश्लीलता में हुआ है, और बहुत का तो फितरत ही होता है कि मेरे पास आवाज़ है नहीं ना, हम कुछ कर, शॉर्टकट अपनाने से अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, चलो ऐसा गीत गाओ कि लोग कम से कम इसको वायरल कर दें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है, चंद मिनट का होता है, जैसे तूफान की मतलब समुद्र का लहर होता है ना, आता है तुरंत चला जाता है, बस वही हाल है। भैया हमारे भोजपुरी के ऐसे भी बहुत सारे गाने हैं जो इंटरनेशनल है, जैसे कि पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप, और अभी हाल ही में उनका जो गाना आया है लाल घघड़ा, वो गाना भी समझिए कि लगभग अभी जब से आया है बहुत सारे लोग अच्छा ही कर रहे हैं, जहाँ भी उनका कमेंट सुनने को मिल रहा है अच्छा ही मिल रहा है, और अभी लगभग 14 से 15 दिन हो गया है लगातार एक नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। पवन भैया का तो वर्ल्ड फैन है, तो हम तमाम कलाकार खास करके जो संगीत को जानते हैं, संगीत को गाते गुनगुनाते हैं, वो पवन भैया के गानों को रियाज करके गाना सीखते हैं, तो अपने आप में तो एक लीजेंड है ही वो। हमारे खेसारी भैया स्टेज परफॉर्मर, स्टेज कैसे किया जाता है उनसे बेस्ट कोई नहीं कर सकता है, और गायकी कैसे किया जा सकता है पवन भैया से बेस्ट कोई नहीं कर सकता। और लॉलीपॉप एक ऐसा वर्ल्ड वाइड हिट है कि भोजपुरी को अगर कोई जानता है, भोजपुरी को अगर कोई रिस्पेक्ट करता है तो सिर्फ और सिर्फ पवन भैया के वजह से, और पवन सिंह एक ऐसा लॉलीपॉप के रूप में दे दिए हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो कि आदमी सीधा ही बोलता है अरे भोजपुरी ये गाना सुनाई, अच्छा ठीक है लॉलीपॉप,
मीन्स लॉलीपॉप हर के ज़ुबान पे है और बहुत सुरीले गायक हैं और माता रानी विराजमान है। तो हमारे धरोहर हैं बिहार में पवन भैया, खेसारी भैया, रवि किशन भैया, निरहुआ भैया, मनोज तिवारी जी, ये सब लीजेंड हैं। आपके बारे में बहुत सारे कंप्लेन भी हैं, अमित भैया का गाना बहुत कम देखने को मिलता है, आखिर क्यों? देखिए, हम तो साफ़ सुथरा गाते हैं, ठीक है, और साफ़ सुथरा पता नहीं शायद हमारे बिहार में सुनने वाले कम हैं दर्शक, जबकि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, कोई भी शादी हो, चाहे कितने भी बड़े लेवल की शादी हो, गाना बजेगा अश्लील गाना बजाते हैं वहाँ पे, डांस करते हैं वो लोग अश्लील गाना पे, 90% की बात कर रहा हूँ, 10% ऐसे भी हैं जो मतलब अवॉइड करते हैं डांस के टाइम में भी। तो मैं तो जनता से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप खाना बंद कर दीजिए गलत चीज़ों को, और कलाकार भाई से तो मेरा हक है कि उनको मैं डांट के बोल सकता हूँ कि आप मत परोसिए, हमारे जनता खाना बंद कर देंगे। तो व्यूज़ उठने का रीज़न यही है कि मैं किसी बड़े कंपनी से रिलीज़ नहीं कर पाता हूँ और अपने ऑफिशियल पे डालता हूँ, अमित सिंह एमी पे डालता हूँ। जितना भी व्यूज़ आता है, हमको लगता है ये मेरा दर्शक है, ये हमको सुनने वाले लोग हैं, और 10 ही लोग हैं आने वाले टाइम में, वो 10 करोड़ बनेंगे। बस सुंदर सुंदर गाने को मैं डालता रहता हूँ। अभी बहुत सारे कव्वाली सूफियाना गीत शूटिंग होकर रखा हुआ है, 10-15-20 दिन में रिलीज़ करूँगा। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि एक नया ट्रेंड चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब एक बार लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, हमसे जुड़ जाएंगे ना, तो सिर्फ हमको ही देखेंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि उनको भी अच्छाई पसंद है, उनको मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे लोग जैसे जैसे जान रहे हैं वैसे पसंद करते हैं। पहले तो शो भी बहुत कम होता था, अब महारानी की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से, हमारे जनता के आशीर्वाद से, माता पिता का आशीर्वाद से, शो हमारा कंटिन्यू महीने का 15-20 शो हो ही जाता है। तो धीरे धीरे लोग जैसे जैसे लोग जान रहे हैं वैसे वैसे अपना रहे हैं जी। भैया, आपका अभी जो कव्वाली टाइप का जो आया है, चाहेंगे वो गाना हो जाए चलते चलते दो लाइन? हाँ, एक हमारा देवी गीत जो आया है, माँ का करम एल्बम का नाम है, ऐसे है कि कर दो इतना करम मेरी मैया, कर दो इतना करम मेरी मैया, दर पे आया हूँ बन के सवाली, कर दो इतना करम मेरी मैया, दर पे आया हूँ बन के सवाली, तेरी चरणों का दास बनूंगा, तेरी चरणों का दास बनूंगा, बस कृपा तू कर दे मैया, बस कृपा माँ कर दे तू मैया, दर पे आया हूँ बन के सवाली। हमारे चैनल पर रिलीज हो चुका है वीडियो के साथ जी। भैया, अभी हाल ही में जो ये ढोंड़ी चटना वाले गाने को लेकर के हम लोग ने उनसे थोड़ा सवाल जवाब किया था, तो इसमें बहुत सारे जो हमारे नए सिंगर हैं वो लोग गुस्से में आ गए, क्रोध में हम लोगों के ऊपर गाना गाने लगे, हमारे माँ बहन को गालियाँ देने लगे। बिल्कुल, बोले तो जिनका सोच ही छोटा है उनको कुछ नहीं कर सकते आप। ढोंड़ी चटना तो बोलना ही मैंने बहुत बुरा लगता है बोलने में, ये एकदम सरासर गलत है। जो मीडिया वालों को गलत ठहराते हैं वो खुद ही गलत हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अश्लील नहीं गाएंगे तो हिट ही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो बेसुरा हैं, उनको संगीत का परख ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि संगीत क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि माँ बहन का इज्जत क्या होता है, क्योंकि उनकी परवरिश ही वैसे सोसाइटी में हुई है। तो मीडिया को गलत ठहराने वालों के लिए ये शब्द था। भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपने इतना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ BFC न्यूज़ का भी, क्योंकि अच्छी चीज़ों को हमेशा रखते हैं, और मीडिया को गलत करने वाले खुद गलत हैं, बोलने वाले खुद गलत हैं, आप मीडिया को मत करिए गलत, ये हमारी चौथी स्तंभ है और ये हमारी आवाज़ है। आज ये अगर नहीं होते तो क्या ABP न्यूज़ आपका इंटरव्यू जो मतलब ABP न्यूज़ आज तक या फिर जितने भी बड़े चैनल हैं, क्या वो आपका इंटरव्यू करेंगे अगर आप छोटा छोटा कुछ करेंगे? ये हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाते हैं, इसलिए इनका तो पैर छूना चाहिए, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। दिल से मैं प्रणाम करता हूँ। तो दोस्तों, इस बात को सुन करके आपको एक सीख मिला होगा, और जितने भी अच्छे गाने वाले सिंगर हैं जो अश्लील गाने नहीं गाते हैं, अगर आपका गाना मार्केट में नहीं बज रहा है तो आप निराश मत होइए, आप उस दिन का इंतज़ार कीजिए, थोड़ा वक्त का इंतज़ार कीजिए, एक दिन वह दिन आएगा जो आपकी पहचान अश्लीलता से नहीं अच्छे गानों से होगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।